जब कभी भी हम अपनी पुरानी तस्वीर देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक यही बात आती है कि यार उस समय तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हुआ करती थी, कितनी प्लम्पी रहती थी, बिल्कुल साफ सुथरी रहती थी। लेकिन अब देख लो, स्किन पे ना हमारे चेहरे पे कोई चार्म है, ना ग्लो है, ना ही अच्छी है, अनइवन टोन हो चुकी है। ये बात तो दिमाग में आती है, लेकिन इसका जो कारण है, इसका जो रीजन है, वो हम नहीं ध्यान देते हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों। उस समय हमारे स्किन का, हमारे चेहरे का की देखभाल हमारी दादी, नानी, माँ करती थी, जो कि नेचुरल रेमेडीज होती थी। लेकिन समय के साथ साथ वो अट्रैक्टिव कमर्शियल्स देख देख के हम हो गए अट्रैक्ट, और केमिकल से भरपूर जो क्रीम्स होती हैं वो हमने अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दिया, और अपने ही हाथों हमने अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर लिया। क्योंकि वो सो चीजें होती, वो तुरंत तो रिजल्ट दे देती, हम इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार छोड़ो चावल आटा बेसन, ये बेसन से भरपूर क्रीम, ये बेसन से बनी हुई क्रीम, ये चंदन से बनी हुई क्रीम, हल्दी से बनी हुई क्रीम हम लगाएंगे, हमारी स्किन वाह 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 बहुत अच्छी हो जाएगी। होती भी है कुछ लोगों की, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, जब आप छोड़ देते हो तो स्किन वैसी की वैसी ही हो जाती है। और आज तक मुझे नहीं लगता यार कि किसी ने खाली क्रीम्स और फेशियल्स और ये सब करा के अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा बेस्ट कर लिया है। ध्यान जरूर दीजिएगा इस बात पे, और इस बात पे अगर आप मेरी सहमत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और एक मिनट का समय लेके इस बारे में विचार जरूर करिएगा। इशारा, और मैं हूं स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब स्वस्थ होगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगे। भाई गर्मियां बहुत ज्यादा आ गई हैं, और इसमें मौसम में हमारा चेहरा बड़ा चिपचिपा सा रहता है, गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है भैया कितनी मैल की परत पे परत हमारे चेहरे पे आ गई है। पसीने की वजह से चेहरा काला पड़ता जाता है, जो दाग धब्बे हैं वो विजिबल होने लगते हैं, टैनिंग बहुत जल्दी होने लगती है। क्योंकि भाई एक मिथ है, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर हम घर के बाहर जाते हैं तभी हमें टैनिंग होगी, घर के अंदर नहीं होगी। ध्यान दीजिए यार, घर के अंदर भी टैनिंग होने के बहुत बहुत कारण है। आप कपड़े फैलाने बाहर जाते हो, बालकनी में जाते हो, 2 मिनट के समय में ही टैन हो जाता है। आप छत पे जाते हो या कोई पार्सल लेने जाते हो, या फिर ये जो लाइट्स जलती है ना, ब्लू लाइट, ये यूवी रेज ब्लू लाइट वाली है ना, टीवी वाली लाइट, या फिर आप कुकिंग करते हो, इन सब से आपको टैनिंग हो सकती है। तो भैया पहला उपचार ये है कि भर भर के आप सनस्क्रीन लगाइए, और कुछ ऐसी होम रेमेडीज डे बाय डे करती रहिए, जिससे कि आपकी ये समस्या बहुत आगे तक ना बढ़े। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट से आप अपने चेहरे की टैनिंग खत्म कर सकते हो, अपने चेहरे की रंगत को निखार सकते हो, जो एक्स्ट्रा गंदगी, धूल, मिट्टी, ऑयल पॉल्यूशन, डर्ट चिपक गया है, उसको आप खींच के बाहर निकाल सकते हो, जो कि आपको फेस वॉश से नहीं मिल सकता है। और साथ में अगर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे, स्किन आपको एकदम से ब्राइटन अप करनी है, कहीं आपको जाना है, या आपकी स्किन बहुत दिनों से डल लग रही है, तो ये वाला पैक लगा लीजिए, रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलने वाला है। इस वीडियो के थ्रू पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इशारा पे। यहाँ पे हम ऐसे ही लाते हैं बहुत ही सिंपल, ईजी और इफेक्टिव रेमिडीज, जो लगा के हमारा परिवार बहुत ज्यादा खुश है। अगर आप भी ऐसी वीडियोज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इसमें खाली 2 स्टेप हैं। तो पहले स्टेप में हम लेंगे कच्चा दूध। ये वाला कच्चा दूध मेरा पैकेट का है, क्योंकि जो भैंस का दूध मेरे घर में आता है वो हम कच्चा दूध निकालना भूल गए, और आज हमको वीडियो शूट करनी थी, तो ये पैकेट का दूध है। तो आप कोई भी कच्चा दूध ले सकते हैं जो उबला हुआ ना हो, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो। एक ने हमें कमेंट किया था कि आप बकरी का ले सकते हो, भैया बकरी का भी ले सकते हो, पैकेट का हो आप ले सकते हो। अब हमको इसको करना है 2 भागों में डिवाइड करना है, आधा आधा, क्योंकि आधे का पहले काम है, आधे का बाद में काम है। तो यहां पे हम पहले स्टेप में करेंगे क्लींजिंग। देखिए इस समय देखिए मेरा जो चेहरा ना बड़ा ऑयली डर्टी डर्टी सा लग रहा होगा, क्योंकि हम ऐसे ही बैठ गए थे वीडियो शूट करने, खाली लिपस्टिक लगा दी, थोड़ा प्रेजेंटेटिव तो दिखना चाहिए ना। तो इसकी हम पहले करेंगे मसाज। कच्चे दूध से जो मसाज होती है वो बहुत ही सही होती है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप कच्चे दूध को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो इस समय गर्मियों में बहुत
बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ये हमारे चेहरे पे जो भी गर्मी होती है ना, चेहरा कभी कभी लाल हो जाता है गर्मी की वजह से, आप बाहर से आते हो धूप से, चेहरा गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। इवन आजकल तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, टैनिंग जैसी शिकायत उनको भी हो जाती है, तो आप उनके ऊपर भी ये ट्राई कर सकते हैं। इवन मेरी भी 6 साल की बेटी है, हम उस पर भी ये ट्राई करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पे करनी है मसाज। ये हमारे चेहरे से अंदर तक से गंदगी निकाल देगा, बिल्कुल चेहरा कर देगा क्लीन, और साथ में अगर आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो गारंटी देते हैं यार कि धीरे धीरे आपके चेहरे की रंगत में भी निखार आएगा। तो आपको इसको मसाज करते रहना है लगभग 4 से 5 मिनट तक, जब तक आपको लगे कि हाँ भाई मेरी स्किन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। उसके बाद आप चाहो तो कॉटन की मदद से इसको वाइप ऑफ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ कर लीजिए मसाज और अपने चेहरे की गंदगी, दाग, धब्बे पूरी तरीके से धीरे धीरे आप रिड्यूस होते हुए जरूर नोटिस करोगे। तो फ्रेंड्स, ये कच्चा दूध आपको आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर अच्छे से लगाना है। ये हमारे डार्क सर्कल्स को कम करने की क्षमता रखता है, स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो लाता है, दाग धब्बे हैं उनको भी ख़त्म करता है। ल्यूकमोम वाटर से आपको धो लेना है और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आपको इसको वाइप ऑफ करना है, यानी पोंछना है, रगड़ना नहीं है अपने चेहरे को। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो सेंस में आ जाती है, और अगर आप रगड़ के पोंछोगे तो वो रेडनेस ही आ जाती है। चलिए अब हम बनाते हैं अपना पैक। तो हम वही लेंगे दूध का दूसरा भाग, और इसमें लेंगे हम 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का जो आप घर पे खाते उसी को आप दरदरा पीस लिख के रख लीजिए, ये हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम आएगा। साथ में हम यहाँ पे लेंगे शुगर पाउडर, जो कि आप, अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं तो जो भी आपके घर में शुगर है उसको हल्के से दरदरा पीस लीजिए। शुगर में होता है ग्लाइकोलिक एसिड, साथ में होती है अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड, जो हमारी स्किन को लाइटन अप करती है। हमारी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट्स हो, उसको ये ख़त्म करती है। मेरा पैक यहाँ पर थोड़ा सा पतला हो गया था तो हमने थोड़ा सा चावल का आटा और मिला लिया है। रही बात शुगर की, तो ये आपके स्किन के हाइड्रेशन को बैलेंस करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक्सेस ऑयल को निकाल देगा, साथ में इतनी अच्छी चमक लाएगा कि क्या ही कर बताएं। जब आप ये वाला पैक लगाएंगे तो ये पैक आपके चेहरे पे चिपकेगा नहीं, मतलब गिरेगा बार बार, क्योंकि दरदरा होता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप धीरे धीरे लगाएंगे तो ये अच्छे से लग जाएगा। अपने हाथों में भी लगाइए, जिससे आपकी स्किन की, अपने आपके हाथ की भी डेड स्किन निकल जाए। अच्छे से मसाज करिए बहुत ही लाइट हैंड से, अपने होठों के आसपास, नाक के आसपास, फोरहेड पे अच्छे से, जिससे भी सारी डेड स्किन निकल जाए। 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पे रहने दीजिए और फिर उसके बाद आप इसको वॉश ऑफ कर लीजिए, यानी कि धो लीजिए। धोने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी चेहरा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है कि कहने क्या। इसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से पोंछ लेना है अपने चेहरे को और इंजॉय करनी है इस स्किन को, इस कमाल को। पहले जब हमने वीडियो शुरू किया था आपने नोटिस किया होगा कि मेरा चेहरा लाल लाल लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो गया है। अब चूंकि हमने स्क्रबिंग की है तो हमारे पोर्स ओपन हो चुके हैं, तो हमें उसको बंद भी करना है। साथ में बेबी सॉफ्ट स्किन निकल के बाहर आई है तो उसकी हमें केयर भी करनी है। इसके लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं रोज़ वाटर, जिससे भी कोई भी आपकी रेडनेस हो गई हो या कोई भी आपका पोर्स ओपन ना रहे, आप कोई भी टोनर लगा सकते हैं। इसके बाद हमें अपने चेहरे को हाइड्रेट करना है, इसके लिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए अगर आप दिन में ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, अगर रात में कर रहे हैं तो आपको लगाना है यहाँ पे नाइट क्रीम। अच्छे से मसाज करिए, अपनी बेबी स्किन को इंजॉय करिए, और साथ में जो रिज़ल्ट है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। इसको आपको हफ्ते में 2 बार करना है और आपको रिज़ल्ट अमेजिंग मिलने वाला है। धीरे धीरे आपके चेहरे की सारी परेशानी, टैनिंग, डेड स्किन, मैल, दाग धब्बे जितने भी हैं वो रिड्यूस होने लगेंगे और आपका चेहरा उलाला बहुत ही अच्छा हो जाएगा। येलो, यहाँ पे मेरी लाइट चली गई है, बहुत टाइम से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आ जाए पर लाइट आने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो को करना था यहाँ पे एंड, इसलिए हमने बिना लाइट के ही शूट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो, लगाइएगा ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रिज़ल्ट आया। तो दोस्तों,
ये था मेरा आज का वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को हिट कर दीजिएगा जिससे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।